2005 में यूं होंगे कि वो पतली पतलूने पहनी हुई होंगी, 2020 में ये होंगे कि आधे कपड़े पहने हुए होंगे कुछ ने। ये प्रॉपर बिठाया दिखाया जा रहा था कि हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग जो बेहतरियां ला रहे हैं, हम लोग जो इसे मॉडर्नाइज कल्चर बना रहे हैं, बुश को खुश करने के लिए। और वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो पूरा एक टैबलो था जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बच्चियों से करवाया गया था। और कहते 2050 तक जब वो पहुंचे तो बच्चियों के ऊपर तन पे कोई लिबास ना होने के बराबर था। कहते थोड़ी देर के लिए तो मेरी भी आंखें बहुत ज्यादा खुशी से मुसर्रत हो चुकी थी, बहुत खुश हो चुकी थी कि मैं कौन से नजारे देख रहा हूं। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि इन बच्चियों की उम्र तो मेरी बेटियों जितनी है, तो मैं उठ के बाहर चला गया। एक तो था ना कि बेश के तलवारें खरीद लिए मसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। यहां तो बेटियां उठा उठा के पेश की गई हैं, बेची गई हैं, टके लेने के लिए अपनी बेटियों तक को बरहना किया गया। हम बहुत मॉडर्नाइज है जनाब, हम आपके जूते भी पॉलिश करेंगे, हम आपके कुत्ते भी नहलाएंगे, आप बस हमें टके दे दीजिए। मुझे बताओ ना, मैं बोलूंगा मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूं। कोई पिंड का चौधरी बदमाश आके बोलते कि मैं 10 करोड़ रुपए तुम्हें देता हूं, मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उसके साथ बदकारी करूंगा। आप अगर दे भी दे, वो 10 करोड़ से क्या करोगे? गाड़ियां ले लोगे, बंगले बना लोगे, मकान बना लोगे? पूरा पिंड तो तुम्हें बगैरत बोलेगा ना, बोलेगा ना। तो जब अमरीका ये बोलेगा कि जनाब तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी औरत मौजूद है जो पाकिस्तान में इस्लामी निजामे तालीम लाना चाहती है, वो आप ये सिद्दी की हमारे हवाले करो तो मैं हम सड़कें पक्की करा के दे देंगे, तो मैं हम यूनिवर्सिटीज बना के दे देंगे, तो मैं हम कॉलेजेस बना के दे देंगे, तो मैं हम हॉस्पिटल्स बना के दे देंगे, तो माशी तौर पे मुस्तहकम हो जाओगे। बस एक ही तो बेटी की बात है। अब बताओ, कॉलेज भी बन गए, यूनिवर्सिटी भी बन गए, इदारे भी बन गए, अपग्रेड हो गए हमारे कई सिस्टम्स। मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं, बहुत कुछ तरक्की हो गई, माशी तौर पर मुस्तहकम भी हो गए। लेकिन दुनिया क्या कहती है? बेगैरत नहीं बोलती हमें? हमारे वजीर आजम साबिक थे, मेरे लाख इख्तलाफ उनकी पार्टी से, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था जब साबिक वजीर आजम को नंगा करके अमरीकी एयरपोर्ट पर चेक किया गया था, अगर वाकई वो वीडियो सच्ची है तो। भिखारी कौम की यह इज्जत होती है? इसका हल क्या है? ये हल आप लोग निकाल सकते हैं। सारी जिंदगी हम नाच गानों में पड़े रहेंगे और इसी से खुश रहेंगे, हाकिम में वक्त भी डी चौक पे नाच गाने लगा के हमें इंप्रेस करेगा? हर गली कूचे से लग भाई कल जिहाद की सजा बुलंद करना शुरू कर दो, क्योंकि कश्मीर का यही हाल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो शायद हाकिम में वक्त मजबूर हो जाए कि दोबारा आपके वोट लेने के लिए 2-4 गोलियां उधर बरसा दे, कुछ ना कुछ कर ले। मुझे एक बंदे ने आके, बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं, कहते जी आपको पता नहीं है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, कोलैटरल डैमेज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को एटम बम मार दें तो तबाह हो जाएंगे, दुनिया का एक चौथाई हिस्सा खत्म हो जाएगा, आलमी जंग छिड़ जाएगी। मैंने कहा यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिंदुस्तान जैसा बुजदिल मुल्क एटमी ताकत का इख्तियार इस्तेमाल करे। ये माजी में भी जब उसने धमकी दी तो हमारे एक टेक्निकल आदमी ने उसे जवाब दिया था कि जनाबे अली, आप अगर पाकिस्तान पे एटम बम मार दें और पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट भी जाता है तो इस्लाम खत्म नहीं होगा, क्योंकि 55-56 और इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन अगर हम जवाब में आपको एटम बम मार दें तो दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचना, क्योंकि आपके अलावा और कोई रियासत नहीं है हिंदुओं की। समझ में आप इस चीज को? वो कभी इस तरह की बेवकूफाना हरकत नहीं करेगा, एक इलाके के पीछे वो एटम बम मार दे। मसला ये, हम बुजदिल और बेगैरत हो चुके हैं। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उधर मैंने बात की हुकामे बाला के सामने, और चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब भी मौजूद थे। मैंने कहा जनाब, उन्होंने जब ब्रीफिंग देते हुए हमें समझाया कि जी हमने कश्मीर के लिए ये किया कि आवाज इतनी बुलंद हो गई कि अमेरिकन सेनेट में डिस्कस हुआ कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मुझे हंसी आई, ये क्या इन लोगों ने लुच्चो लफंगों वाले काम शुरू कर दिए, खुश हो रहे हैं कि अमेरिका में जिक्र हो रहा है, वो बड़ा जुल्म हो गया। मैंने कहा जनाबे अली, पिंड का चौधरी आपकी बेटी को उठा के ले जाता है और दूसरे पिंड का चौधरी आके आपके घर के कमरे पर कब्जा कर लेता है
और आप अपने पिंड के चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं जी ये कब्जा तो छुड़वा दो उस चौधरी से, तो पूरी दुनिया आपको बगैरत बोलेगी, क्या अजीब आदमी है ये, इसकी बेटी उठा के लेके गया, ये फिर उसके पास भीख मांग रहा है। तो मैंने कहा इसी तरीके से जो आफिया सिद्दीकी को उठा के लेके गया उनसे कश्मीर की भीख मांगोगे तो दुनिया तुम्हें बगैरत बोलेगी। उधर जज्बाती हो गए, एक उनके चेले चापलूस नौकरियां पक्की करने वाले खैराती सीट पे इलेक्ट होने वाले वो एमपी है, उनकी खातून बोली कि जनाब बेटा आप बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, मुझे बताएं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह कोई इलाका खो बैठा अगर जंग हुई तो लाजमी तो नहीं हम जीते, हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तुम जिम्मेदारी कबूल करोगे? मैंने कहा हाँ मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा, क्योंकि मेरा 200 साल के बाद अगर तारीख लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुजदिल और बगैरत हो चुका था। जमीन आसमान का फर्क है इसमें, ये पाकिस्तान ने जद्दोजहद नहीं की थी। बड़े बड़े आगे हमारे सामने हुक्मरान कह रहे होते कश्मीर में मैदान करबला बरपा है, मुझे हैरत होती है, हंसी आ जाती है। मैंने कहा कैसे? वो आगे कहते हैं कश्मीरी हुसैनी है। मैंने कहा अच्छा हिंदुस्तानी फौज क्या? कहते हैं वो यजीदी है। मैंने कहा आप जवाब सोच के देना, बताओ कूफे वाला कौन है? खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है, डरो उस दिन से जिस दिन हमारा शुमार भी उनमें होगा। दोस्ताने ज़िवकार ये बगैर तनख्वाहों के शहादत देने वालों को जब जब हमने दहशतगर्द कहा याद रखना तारीख ने तब तब हमारे मुंह पे तमाचे मारे हैं। कुरान तुम्हें बाजाबता बोल रहा है, अल्लाह तुम्हें बाजाबता बोल रहा है, रसूल अल्लाह ने तुम्हें बाजाबता कह दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, लेकिन हम अपने अफगानी भाई का गिरबान पकड़ेंगे, ईरान से जंग करेंगे, सऊदीया से जंग करेंगे, तुर्की को लानत बोलेंगे, लेकिन अमरीका के गिटों में बैठ के उसके बूट पॉलिश करेंगे, वो हमारा दोस्त बन जाए, वो हमारा बाप बन जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। हम जबरदस्ती की उनकी औलाद बनने पर तैयार बैठे हैं, हम तो फूले नहीं समाते, वहां का वीजा कहीं से आ जाए और बस दफा हो जाए। पाकिस्तान में क्या रखा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब, मुझे बहुत दुख के साथ, शायद आज मेरी ज़ुबान मेरा साथ ना दे, 2 सितंबर 2020 को इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, चार्ली हेब्डो उस बदबخت के जो मैगज़ीन वाले हैं उन्होंने दोबारा 5 साल के बाद फिर फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करने का आज ऐलान किया है। इससे पहले 2 दिन पहले नॉर्वे में एक मलूना ने, एक बदबخت औरत ने कुरान पाक के सफ़े फाड़े और उस पर थूक के फेंका, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान पाक को स्वीडन और नॉर्वे में जलाया गया आज से 2 दिन पहले। पूरी दुनिया में ऐसे वाकियात आए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कि इस उम्मत को तकसीम किया गया है, अब ये उम्मत को एक होने का वक्त आया है। मुझे अगर पाँव पड़ने पड़े मैं इमरान खान के जूते सीधे करने को तैयार हूँ, मैं नवाज़ शरीफ के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, मैं जरदारी के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, मैं खादिम रिजवी साहब के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, मैं अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, मैं सिराजुल हक मौलाना फजल रहमान के पाँव पड़ने को तैयार हूँ। मुझे आप सारे और पूरे पाकिस्तान की सारी कौम, सारे सियासी मजहबी जमातें अपने कायदीन के साथ 11 सितंबर बरोज़ जुम्मा दिन 2 बजे लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर नज़र आएं और वहाँ से हम मार्च करेंगे आपारा चौक इस्लामाबाद तक, और वो लाखों का इज्तिमा पूरे पाकिस्तान से जो लोग आएंगे वो दुनिया को ये पैगाम देगा कि हम लोग जो सियासी और मजहबी एक मसलकी एक दूसरे से इख्तलाफ़ रखते थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा करते थे, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत, उनकी नामूस, उनकी ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। आज जो हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खातिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। यही मैसेज पूरी उम्मत मुस्लिमा को जाए। पूरे पाकिस्तान में 11 सितंबर को ऑफिशियल सतह पे, हुकूमती सतह पे यौम इश्क रसूल मनाया जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा मैं, ये इस पे खुदा का वास्ता है, सियासत ना करना, एक दूसरे को गाली ना देना, एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़ना, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों 11 सितंबर दिन 2 बजे बरोज़ जुम्मा, तमाम मस्जिदों में ऐलान करवा दें इस जुम्मे को
कि 11 सितंबर वाले जुम्मे को सारे लोग वहाँ अपनी जमातें करा के सीधा लियाकत बाग पहुँचें बाहर, और वहीं से काफिला पहुँचेगा। हम दुनिया को ये पैगाम देंगे मुसलमान एक है, अपने आका अली सलातो सलाम की खातिर एक है, और दुनिया में यह कानून साजी करवा के रहेंगे कि कोई शख्स भी रसूल अल्लाह अली सलातो सलाम के ख़िलाफ़ की बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल बैन और अक़वामी सतह का कानून नाफिज किया जाए। अब मर्ज़ी है, आप लोग आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, कोई ना आए मैं अकेला एहतजाज करूँगा और अकेले ये खड़ा होकर यह पैगाम दूंगा। खैर, आना चाहते हैं इस वीडियो को अपने तमाम पेजेस पे ग्रुप्स में डालें और तमाम लोग पहुँचें फ़कत रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वसलाम के लिए, एक दिन के लिए अपनी सियासी और मसलकी एफिलिएशन को एक तरफ परे फेंकें, इस्लाम के लिए, रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वसलाम के लिए, पाकिस्तान पाइंदाबाद।